आसाफ जो है आगे जाकर वचन में क्या कहता है, देखिए 17 वचन, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। बस हालेलुया। देखो उसको परिणाम मिल गया, उसका उत्तर यहाँ पर मिल गया। उत्तर कहाँ मिला वो इम्पोर्टेंट है। अपने घर के अंदर, अपने कठिन परिस्थितियों में, उसी तराई के अंदर बैठने से उत्तर मिलने वाला, उसी सोच को सोचते रहने से, रोते रहने से, शोक मनाते हुए उन्हीं फोटोग्राफ्स को देखते देखते उत्तर मिलने वाला। मेरे मोबाइल में बहुत पिक्चर्स थे, हर रात को वो पिक्चर्स को मैं निकाल कर देखती थी, लेकिन उससे मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलने वाला नहीं है, सांत्वना मुझे मिलने वाली नहीं है। वचन कहती है वो अपने मन से, अपने तरीके से उसने बहुत कोशिश की अपने दुख को हटाने का, परंतु उसके लिए कठिन हो गया। तब वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में चला गया। पवित्र स्थान हम सब जानते हैं ना, पुराने मंदिर में 3 स्थान थे, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या है? वचन है। पवित्र स्थान में क्या है? पवित्र आत्मा का रोशनी है। पवित्र स्थान में क्या है? वहां पर प्रार्थना की वेदी है। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में वचन पढ़ना कठिन होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है। ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी करना है। ऐसे परिस्थिति में पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, वो संसार के हर चीजों से बढ़कर है, वो हमको अंदर से क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके चर्च में, उसकी उपस्थिति में आना बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, कोई भी चीजों का हल चाहिए, तो केवल उसके पवित्र स्थान में ही है। लोग तुमको उत्तर देंगे, सांत्वना देंगे, तसल्ली देंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमको दिखाई नहीं देते, परंतु उसका हाथ हमारे ऊपर रहता है और वो हमको अंदर से मजबूत करता है। हालेलुया। देखिए दो, मैं अगर मेरी गवाही अगर आपको बताना चाहूंगी, मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुई हूँ, मेरा जन्म मसीही परिवार में ही हुआ है, परंतु हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, नए जन्मे नहीं थे। हाँ, हम लोगों के लिए क्या था, जैसे दूसरों का भगवान होता है, हमारा भगवान है यीशु मसीह। हमको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह मसीही क्रिस्ती लोगों का परमेश्वर नहीं, वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हालेलुया। ये सारी चीजें हमको मालूम नहीं थी। हम ऐसे मसीही लोग थे जो रविवार के दिन चर्च में जाते थे और चर्च सुबह खत्म करके घर में आते थे। हमारे पुरुष जो है वो लोग दारू वीरू पी के मजा करते थे, स्त्रियां जो है खाना बनाते थे, दोपहर का पिक्चर देखते थे, मौज मस्ती करते थे। यही हमारे लिए मसीही जीवन था। और हुआ ऐसे कि 5 साल की जब मैं थी तो मेरी मम्मी ने आत्महत्या कर लिया। घर में जब मसीह नहीं है तो घर में बहुत तकलीफें होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है, तो उसी के वजह से मेरी मम्मी ने आत्महत्या कर लिया। मैंने अपनी आंखों से मेरी मम्मी को सारे लोग उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हुए देखा था। वो आखिरी बार मैंने मेरी मम्मी को देखा था। उसके बाद में ना मैं उनके अंतिम संस्कार में जा पाई और ना मैंने उनको कभी हॉस्पिटल में रहते हुए देखा। एक दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो 5 साल की थी तब से ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बड़ी जो बहन है, मेरी बड़ी दीदी जो है, उसके शरीर में दुष्टात्मा आने लगा। और वो दुष्टात्मा मेरी माँ के रूप को लेकर आता था, मेरी माँ के जैसे बोलना मेरे, तो लोगों को क्या लगता था, अरे इसकी माँ आ गई, इसकी माँ आ गई, लेकिन वो माँ नहीं थी, वो कौन था? दुष्टात्मा था जो हम लोगों को क्या करना चाह रहा था, जकड़ कर रखना चाह रहा था। तो उस समय में जो मेरे आत्मिक पिता है पास्टर जॉन वेस्ली रेड्डी, वो उस समय में
पास्टर नहीं थे, एक सुसमाचारक थे जो घर घर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, प्रार्थना करते थे। तो उनकी मुलाकात हमसे हुई और वो हमारे घर में आने लगे, प्रार्थना करने लगे, वचन सुनाने लगे। और प्रार्थना करते 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 वचन सुनाते सुनाते मेरी बड़ी दीदी को छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिलने के बाद में उनका उद्धार हो गया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीहा को अपना उद्धार करता स्वीकार किया और तुरंत उन्होंने प्रभु की सेवकाई को अपने आप को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। मेरी बड़ी दीदी ने जैसे ही छुटकारा पाया तो वो ये नहीं, वो जवान थी तभी, तो वो ये नहीं सोची कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वैसे नहीं। उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, मेरी जिंदगी में उसके लिए समर्पित करती हूँ। जबकि मेरे पिताजी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। मेरे पिताजी जो है वो मामूली जो मसीही परिवार के लोग होते हैं, जो मसीह को जानते नहीं, वैसे थे। तो उनके लिए मेरी बड़ी दीदी का उद्धार होना एक बहुत ही कठिन बात थी समझने के लिए। तो वो मेरी बड़ी दीदी को बहुत सताते थे, प्रार्थना में जाने नहीं देते थे, घर में बैठकर प्रार्थना करने नहीं देते थे, हालेलुया बोलना पसंद नहीं करते थे, अन्य भाषा बोलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये सारे कठिनाइयों में भी उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। और उस दिन जो उसने समर्पण किया, आज तक वो पीछे मुड़ी नहीं है, आज वो एक कलीसिया की पास्टर है। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। पहले वो उद्धार पाई, उसके बाद मेरी दूसरी दीदी, उन्होंने उद्धार पाया। तो ये लोग जवानी से ही प्रार्थनाओं में जाना, मसीह के साथ नज़दीक रहना इनका चाल चलन था। तो उनको देखकर मैं पली, मैं बड़ी हुई। तो मुझे भी दुनियादारी पसंद नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि प्रभु। यहाँ तक कि प्रार्थना में जाने के लिए मेरे पिताजी जो है दरवाजे को बंद कर देते थे, जाने का नहीं करके, तो भी मेरे दीदी लोग जबरदस्ती करके, नहीं हमको जाना है, नहीं हमको जाना है। कई बार उनको मार पड़ती थी कि तुम प्रार्थनाओं में नहीं जाओगे, तुम लोग ये क्या करते हो, क्योंकि पिताजी को समझ में आता नहीं था कि उद्धार क्या होता है, सच्चा परमेश्वर कौन है। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम जो है, लेकिन विश्वास में कभी पीछे हटे नहीं। आज मेरे दोनों सिस्टर्स जो है वो प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से मेरा उद्धार हुआ। बचपन में जब पांचवी या छठी कक्षा में थी, तभी हम लोग होल नाइट प्रेयर में गए थे। ऐसे ही ऐसे जैसे ये बच्चे बैठे हैं, वैसे हम लोग आगे बैठे रहते थे और पास्टर ने हाथ रखकर प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और तुरंत मैं अन्य भाषा का वरदान मैंने वहां पर प्राप्त किया। तो बचपन से ही प्रभु का स्पर्श हमने जाना है, प्रभु को टेस्ट किया है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चक कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जिसको माँ नहीं है उसको वो माँ बनकर हमारे हाथों को थाम कर क्या किया, हमको बड़ा किया। जब मैं 11वीं कक्षा में थी 1998 में, तभी मैंने एक जवानों का सभा अटेंड किया और वहाँ पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने अंदर से काम करना शुरू किया। पहला स्पर्श कहाँ पर हुआ, बचपन में। लेकिन जब मैं जवान हुई, जब मैं 98 में 11th में पढ़ती थी, तब यूथ मीटिंग में गई तो अंदर से मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया और उस दिन मैंने अपने जीवन को सोच समझ कर प्रभु के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। और छोटा मोटा सेवकाई जैसे जॉय क्लब्स लेना, संडे स्कूल लेना, ट्रांसलेशन करना, कॉयर में गाना, इस चीज़ों से हमारी शुरुआत हुई, प्रभु के साथ हमारा चाल चलन शुरुआत हुआ। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। हमारे परिवार में भी हमने बहुत सारी हानि को देखा, जो भी मेरे करीब थे। मेरी नानी, मम्मी के मरने के बाद मेरी नानी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, परंतु जब मैं 10वीं में थी तब मेरी नानी भी ट्रेन के एक्सीडेंट में गुजर गई। उनके भी अंतिम संस्कार में मुझे जाने नहीं मिला क्योंकि मेरी एग्जाम्स चालू थी उस समय में। तो इस तरह से कठिनाइयों में भी प्रभु हमेशा हमारे साथ था, उसने कभी हमें अकेला छोड़ा नहीं। और उसके ऊपर विश्वास हमारा कभी कम नहीं हुआ कि परिस्थिति क्यों बदल नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है करके प्रभु से कभी हम दूर नहीं हुए। हालेलुया। और ऐसे करते करते 2008 में मेरी शादी हुई डॉक्टर थॉमस उलेदर से। और हम दोनों की शादी होने के बाद आपको पता है कि 26 दिन बीत गए, 27वां दिन 26 नवंबर 2008 जो आतंकवादियों का हमला हुआ,
है ना। उस रोज मेरे पति जो है अस्पताल में थे उनकी बहन के साथ, और मैं उस समय काम करती थी, तो मैं अपने ऑफिस से जाकर घर पे आकर सोई हुई थी, अच्छा खा पी लिया और मैं इंतज़ार कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति जो है आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कि चलो वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में तो कोई आतंकवादी जाने वाला है नहीं, वो आ जाएंगे ठीक से लौट जाएंगे करके मैं अपना खाना बिना खा के मैं मस्त में सो गई थी घर पे। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे, अजमल कसाब और अबू इस्माइल का सामना कर रहे थे। अजमल कसाब ने उनके सीने पर बंदूक तान दी, 1, 2, 3, 4 बार गोलियां चलाई, ट्रिगर दबाया, परंतु एक भी बुलेट उसके बंदूक से बाहर निकली नहीं। मेरे हस्बैंड उस दिन बच गए, परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। और उनके साथ जितने भी लोग थे, उनके दोस्त थे, उनके जीजा जी थे, सारे लोग बच गए। तो 26 नवंबर 2008 हमारे लिए एक बहुत गवाही का दिन बन गया। उस दिन जिस दिन मेरे पति जो हैं गन पॉइंट पर थे, उन्होंने कहा कि यीशु अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं ज़िंदगी भर तेरी सेवा करूँगा। और फिर उसके बाद एक साल तक हम उस बात को भूल गए, क्योंकि बस हमारा बच्चा आ गया उसी दौरान, बेनी मेरा बड़ा बेटा पैदा हो गया। और फिर हम उसके खुशियों में थे, हम वो काम कर रहे थे, मैं थोड़े दिन मैंने भी काम किया, और इस तरह हमारा परिवार चल रहा था। फिर 2009 के नवंबर में परमेश्वर ने हमको याद दिलाया बेनी पैदा होने के बाद। बेनी अक्टूबर में पैदा हुआ मेरा बड़ा बेटा, और नवंबर में परमेश्वर ने मेरे पति को याद दिलाया, तुझे याद है तूने क्या वादा किया था, तूने कहा था ना कि मैं तेरी सेवा करूंगा, कहाँ गया मेरा सेवा, तू तो अपना काम पे जा रहा है, तेरी बीवी बच्चों में तू क्या है व्यस्त है। तो मेरे पति ने कहा हे प्रभु अभी अभी नया बच्चा आया है, अब मैं कहाँ आ जाऊँ सेवा के लिए, अगर मैं सेवा करूंगा तो खिलाएगा कौन मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, घर कैसे चलेगा, ठीक है प्रभु अभी मैं नहीं आऊंगा। तो प्रभु ने उनको फटका मारना शुरू कर दिया, कैसे उनका बिजनेस धीरे धीरे उनका बिजनेस फटका मारी तो वो भी फट करके फूट गया। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का बिजनेस जो है वो घटता गया। और एक दिन वो जो एक पास्टर के एक मीटिंग में गए थे, तो पास्टर ने वहाँ पर इस तरह से कही कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको प्रभु सेवा के लिए बुला रहे हैं, परंतु वो इनकार कर रहे हैं, अगर इनकार करते रहेंगे तो वो जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात से वो डर गए, उनको लगा कि ये वचन मेरे ही लिए है। और वहीं पर उन्होंने घुटना टेक कर अपने आप को समर्पित किया, कहा कि परमेश्वर आज से मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। और 2009 नवंबर में उन्होंने फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने आप को समर्पित किया, और हम दोनों उस समय से आज तक परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। हमारे जिंदगी में कमियां घटियां आई, परंतु परमेश्वर ने उन सारे चीज़ों में हमको मदद किया, हर समय हमारे साथ रहे। उसके बाद 2014 में और एक मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला इज़राइल, फरवरी के महीने में मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से चल रही थी। और हमने एक ठाना था, मेरे पति हमेशा एक बात बोलते थे कि हमने हल पर हाथ रख दिया है, अभी कुछ भी हो जाए हम हाथ हटाएंगे नहीं, हम पीछे मुड़ेंगे नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु और मुझे ही नहीं परंतु मेरे छोटे बच्चों को भी वो यही सिखाते थे कि बेटा तुझे पायलट बनना है तू पायलट बन जा, तुझे डॉक्टर बनना है तू डॉक्टर बन जा, लेकिन पूरा बनने के बाद में सब छोड़कर क्या करने का, सेवा करने का। उन्होंने हमारे अंदर वो बीज को डाला था कि हम बनाए गए हैं प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके उद्देश्य के लिए। हम जो है इस दुनिया में अपने माँ के गर्भ से पैदा होकर खा पीकर स्कूल पढ़कर कॉलेज पढ़कर काम करके फिर शादी करके बच्चे पैदा करके फिर उनको बड़ा करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, वो हमारा जीवन है। अरे बोलो नहीं है। स्त्रियों वो हमारा जीवन नहीं है, तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, उनकी शादी करना, फिर पोतों को देखना, फिर पोते, वो उसके लिए प्रभु ने तुमको उत्पन्न किया नहीं है, परमेश्वर ने हमें उसके लिए उत्पन्न किया है। हालेलुया, उसकी उसको भाने के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके डिलाइट के लिए उसने हमको बनाया है। इसीलिए जस्ट अपना जीवन ऐसे ही मत जीते जाना, हाँ ये धरती पर मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब मिल गया खुश हूँ, नहीं मिला तो रोते बैठूँ, नहीं
मिले या ना मिले, परंतु मैं मेरे प्रभु के लिए जीऊंगी, उसकी सेवा मैं आखिरी सांस तक करते रहूंगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से हमारी जिंदगी चलती रही, हम सेवा करते रहे। जहाँ पर पहले बाइक थी तो बाइक में भी हम बच्चों को लेके जाते थे। मेरा बेटा बेनी जो है पूरा भीग जाता था बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत कोशिश करते थे। तो ये सब होते हुए कभी इतना वो भीगता था, और मेरे हस्बैंड सिर्फ हेलमेट लगाते थे, सब रेनकोट विनकोट हम लोगों को ही पहना देते थे। लेकिन कभी किसी को सर्दी नहीं होती थी, ना ही किसी को खांसी होती थी। हम दूर दूर भी जाते थे, हम नाला सोपारा से शिवरी जाते थे सैटरडे संडे सेवा करने के लिए, चर्च अटेंड करने के लिए। तो इस तरह से हमने प्रभु के लिए जो हमको प्रभु ने दिया था हमारे हाथ में, उसको फेथफुली अर्थात विश्वास योग्यता से पूरा किया। और फिर आ गया पिछले साल 2 जुलाई 2019 को, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे मेरे घर से नायगांव से विरार की तरफ जा रहे थे मेरे बड़े भाई के घर में, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था उस दिन। तो वो लोग हमको ज़बरदस्ती कर रहे थे कि तुम लोग आ जाओ बर्थडे के लिए, आ जाओ, बहुत दिन हुआ मिले नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो बारिश तो अभी रुकी हुई है, अभी तो उतना कुछ दिख नहीं रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। और हम तीनों चारों कार में बैठकर चले गए। मेरा बड़ा बेटा जो है पीछे के सीट में बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, और ड्राइवर के बाजू में मैं बैठी हुई थी, और मेरे इस पैर के ऊपर मेरा छोटा बेटा इज़राइल बैठा हुआ था। और हम सातीवली ब्रिज तक पहुंचे। ब्रिज के ऊपर जाते समय में पीछे से एक डंपर ने आकर हमारे कार को ठोक दिया, और हमारी कार जो है इस रास्ते से हटकर दूसरे सामने वाले रास्ते में जा गिरी। वहां से दूसरी बार एक ट्रक ने आकर फिर एक बार उसको ठोक दिया, फिर से कार पलटकर जो है दूसरे जगह पर आकर गिरी। तो दो बार कार को धक्का लगने की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पर हुई। उस दुर्घटना में मेरे दोनों हाथ टूट गए, आपको निशानी दिख रही होगी, ये हाथ की हड्डी यहाँ पर टूट गई थी, ये हाथ की हड्डी यहाँ पर टूट गई थी, मेरा यहाँ पर फ्रैक्चर था, यहाँ पर फ्रैक्चर था, और पेट के अंदर जो लिवर होता है, स्प्लीन होता है, वो सारे चीज़ों में घाव होने के कारण अंदर से लहू बह रहा था, ये पैर में घाव आ गया था, और छोटा छोटा फ्रैक्चर आगे पीछे हड्डियों में छोटा छोटा फ्रैक्चर्स थे। तो इस तरह से घायल अवस्था में मुझे वसई के प्लैटिनम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद 3 दिन तक मैं उस हॉस्पिटल में थी। मैं सबको पूछती थी कि मेरे बच्चे और मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं, और डॉक्टरों ने उनको कहा था कि ये जो लेडी है इसका अंदर बहुत खून बह रहा है, अगर 48 घंटे में इसका खून बहना रुक जाता है तो ये बच सकती है, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो इसका भी हम गारंटी नहीं देंगे। तो उन्होंने, कई लोगों ने डॉक्टर को पूछा कि ऐसे ऐसे हो गया है, हमको उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना है। तो डॉक्टर ने कहा अगर अभी उनको इस अवस्था में बताया जाएगा तो या तो वो पागल हो जाएगी, या तो वो कोमा में चली जाएगी, या जान को कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारे हाथ में, तुमको जो करना है करो। तो मेरे भाई बहन और मेरे जो परिवार के लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसको बताएंगे नहीं। तो 3 दिन तक उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ है, और उसी 3 दिन के दौरान में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को दफना दिया गया शिवरी के सिमेट्री में। और 3 दिन तक मैं उस अस्पताल में थी, प्रभु ने वहीं पर मुझे अंदरूनी चंगाई दी, जैसे कि पेट में जो बहाव था वो बहाव रुक गया, अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे कहा गया था, और अंदर के ऑपरेशन के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद ऐसे ही दवाइयों से ही वो खून रुक गया, और कोई भी चीज़ ऐसे फटी नहीं जिसकी वजह से ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और उसके बाद में प्लैटिनम हॉस्पिटल से मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जनसेवा में, और वहाँ पर मुझे 8 दिन तक मुझे वहाँ पर रखा गया। और वहाँ पर जब मैं गई तो मैं लोगों को पूछती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, तो उनको मैं पूछती थी कि कैसा है वो लोग, तो सारे लोग बोलते थे नहीं उनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है ऐसे। तो मेरे मन में बिल्कुल डाउट नहीं था, शक नहीं था कि कुछ ऐसे गंभीर हुआ होगा। हमेशा मैं यही, वो कार के अंदर से हॉस्पिटल तक मैं यही सोचती थी और यही प्रार्थना करती थी, प्रभु तू मेरे बच्चों को, मेरे पति को पूरी तरह से ठीक कर। मैं ये बोलती थी प्रभु पहले मुझे ठीक कर ताकि मैं जाकर उनको
जब वो मुझे देखेंगे तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, वो लोग अच्छे से जल्दी अच्छा हो जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी अपने आप को डॉक्टर जैसा बोलते थे सब करती थी, खाना है ये पीना है, ये नहीं करना ये करना है। तो मैं अपने आप को क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पति के पास जाना है, उनको मुझे देखना है, मेरे बच्चों को देखना है। जबकि मैंने कार के अंदर ही देखा था कि मेरे दोनों बच्चों को डिवाइडर पर लेटा दिया गया है और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइवर के सीट पर है, पूरा लहू बह रहा था उनके नाक से सर से। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि वो ऑन द स्पॉट डेड हो गए हैं। और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में भी मैंने बाइबल मंगाया, मेरे हाथ टूटे हुए थे, मुझे खुद से उठने नहीं होता था, बैठने नहीं होता था, लेकिन सिस्टर्स के मदद से बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु के साथ संगति करती थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मेरे पति और मेरे बच्चों के पास चली जाऊं। तो इस तरह से मेरा विश्वास तब तक क्या था, बहुत ही दृढ़ था, मजबूत था। लेकिन उसके बाद में ये वसई के हॉस्पिटल वालों ने बताया कि तुम्हारा अंदर का जो है गंभीर परिस्थिति है, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तुमको बॉम्बे जाना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल में। तो मुझे बॉम्बे के नायर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर मेरा इलाज शुरू करने के लिए डाल दिया गया। तो जिस दिन पहले दिन मुझे ICU में शिफ्ट किया गया और उस दिन वहाँ डॉक्टर जो है पूछताछ करने के लिए आते हैं, तो मेरी बड़ी दीदी को वो लोग अंदर बुलाए और मेरी बड़ी दीदी से वो पूछताछ करने लगे कि इनके परिवार में कौन है। तो मेरी दीदी ने बताया कि पति है, दो बच्चे हैं। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कहाँ है वो लोग, तो मेरी बड़ी दीदी ने जो है ऐसे अपना मुंडी ऐसे हिलाया। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, तो मैं गौर से देखने लगी कि वो क्या बोल रही है। मेरा जो बेड था, मेरे बेड से काफ़ी दूर वो लोग खड़े थे दोनों, लेकिन मैं उनको देख रही थी कि मुझे, क्योंकि कोई मुझे नहीं बता रहा था कि क्या हुआ है, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है, क्या चल रहा है, कोई नहीं बता रहा था। सब यही बोल रहे थे कि तुम अपने आप को ठीक कर लो पहले। तो उस दिन दूसरी बार डॉक्टर खुद आश्चर्य होकर, डॉक्टर ने बोला क्या बात कर रहे हो, कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। तो फिर मेरी बड़ी दीदी ने तब कहा कि नहीं, कोई भी नहीं है। तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे ऑन द स्पॉट उनका मृत्यु हो गया था एक्सीडेंट के दिन। उतने टाइम तक मुझे पता नहीं था। और जब मुझे पता चला तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। डॉक्टर्स मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मैं डॉक्टर्स को उल्टा चिल्ला रही थी कि क्या, क्योंकि बहुत बड़ा एक धक्का था मेरे लिए। और फिर मैं सबसे बहुत जिद करने लगी कि मुझे अभी मेरी इलाज करवानी नहीं है, मेरे हाथ टूटे हैं तो टूटे रहने दो, पैर नहीं चलने होता तो नहीं चलने दो, जो भी हुआ है मुझे ऐसे ही घर पे लेके चलो, मुझे इलाज करवाना नहीं है। मैं इतने जिद पे आ गई थी कि डिस्चार्ज पेपर मेरे लिए तैयार हो गए थे। और तभी फिर से मेरे जो आत्मिक पिता है, मेरे पास्टर है, पास्टर जॉन वेस्ली रेड्डी, वो आए और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया, कहा कि जाने दो, प्रभु का कुछ तो उद्देश्य है, अभी तुम अपना इलाज करवाओ। तो उनके कहने पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने बोला ठीक है आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। और फिर मैं वहाँ पर रुक गई। ICU में किसी को रुकने नहीं देते तो सारे लोग बाहर चले गए और मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु को यही पूछ रही थी कि परमेश्वर मुझे क्यों बचाया। मैंने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर मेरे पति और मेरे बच्चों को क्यों नहीं बचाया, मेरे उस एक्सीडेंट को आपने रोका क्यों नहीं, ये प्रश्न मेरे अंदर आया नहीं। लेकिन मेरे अंदर ये प्रश्न आया कि प्रभु उनको तूने ले लिया तो मुझे क्यों रख छोड़ा, मैं अकेले रहकर क्या करूँगी, मेरा तो पूरा संसार जो है वो पूरा मुझसे छीन लिया गया है, अब मैं क्यों जीऊँ परमेश्वर, मुझे क्यों रखा है तूने। तब मेरे हृदय में सिर्फ एक ही वचन आया और वो वचन ये था कि तू मेरे हाथों की मिट्टी है और मैं तेरा बनाने वाला हूँ, मैं तेरा कुम्हार हूँ, मुझसे तू अब मत पूछ कि क्यों। तो वो वचन जब मेरे हृदय में आया, मैं अपने प्रभु से बात कर रही हूँ। वो ICU में ट्रॉमा के वार्ड में पता है आपको कैसा होता है, एकदम नरक की जैसी परिस्थिति होती है, लेकिन वहाँ पर मेरा और मेरे परमेश्वर की बातचीत चल रही थी। मैंने उसको उस समय इतना ही कहा, और मैं बोलती हूँ ना आपको, मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, परंतु मेरे अंदर एक ताकत थी,
मेरे अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दिया था कि इतने बड़े हादसा को भी मैं क्या कर पाऊँ, सहन कर पाऊँ। और मैं विश्वास करती हूँ वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे नाव को लंगर के साथ क्या किया जाता है, रोक कर रखा जाता है, वैसे वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वो वचन जो मेरे हृदय में आया, उसने मुझे क्या कर लिया, वहाँ पर रोक कर रखा। आंसू कंटिन्यूस बह रहे थे, लेकिन मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हो गई। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तूने मुझे कहा है कि मत पूछ क्यों, तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन आज के बाद मेरा जिंदगी तेरे हाथ में है। अब तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं जीऊं तो किस लिए जीऊं और कैसे मैं जीऊं, तू मुझे बता, तू मुझे चला। मैं ये समय में भी, एक इंग्लिश सॉन्ग है वहाँ पर कि आई विल ब्रिंग प्रेज, आई विल ब्रिंग प्रेज, ऐसे परिस्थिति में भी मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। मैं अपना बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, परंतु उस समय में ऐसे शब्द मुंह से आना, ये एक मनुष्य की ताकत नहीं है, ये परमेश्वर का ताकत है। रोमियो उसका 15:13, वहाँ पर हमें बताता है वचन कि हमारा परमेश्वर आशा का दाता है ना, और हमको वो ताकत मिलती कैसे है। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, किसके सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा, किसके सामर्थ्य से, जोर से बोलिए, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे निराशा वाली परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आशा को क्या किया, बढ़ाया। मेरे अंदर जीने की एक तमन्ना को परमेश्वर ने जगाया, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में कोई जीना चाहेगा नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे जीने का मकसद दिया, मुझे जीने की ताकत दी, और मुझे जीना है इस बात को मेरे अंदर उसने बसा लिया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। नायर हॉस्पिटल में मेरी पूरी दोनों हाथों का ऑपरेशन हो गया, बाकी कोई भी ऑपरेशन उन्होंने किया नहीं। उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर ऑपरेशन होने के बाद समय आ गया घर जाने का, तो सारे लोग ये सोच रहे थे कि कौन से घर में जाओगे, है ना, क्योंकि जो घर में जाना है वो घर में तो अब कोई है ही नहीं। तो सारे लोग कहने लगे कि तुम अपने भाई के घर में चले जाओ, क्योंकि मेरे डैडी मम्मी बुजुर्ग है, उनके घर में वो संभाल नहीं पाएंगे, भाई के घर में चले जाओ विरार में, वहाँ पे देखभाल होगी, लोगों के बीच में रहोगी तो तुम्हारा मन बनेगा, ये वो करके मुझे उकसाने लगे कि मैं मेरे भाई के घर पे चले जाऊँ। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने ऐसी एक, पता नहीं उस समय में ऐसी एक बात थी कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे ही घर में जाना है। मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थिति के अंदर मुझे क्या करेगा, हिम्मत देगा और बाहर निकालेगा। मुझे परिस्थिति से भागने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस के समय में जब उनका जहाज टूटकर गिरने पर था, डूबने पर था, कई जो उनके सैनिक लोग थे ना, वो लोग ना लंगर नीचे डालने के बहाने में, बोट नीचे उतारने के बहाने में भागने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन जब वो भागने का प्रयत्न कर रहे थे, पौलुस को पता चला कि ये लोग क्या करने वाले हैं, भागने का प्रयत्न करने वाले हैं, तो पौलुस ने उनको बताया कि जो जहाज के अंदर रहेगा वही जिएगा, जो जहाज के बाहर भागने की कोशिश करेगा मर जाएगा। हालेलुया। परिस्थिति से भागने के बजाय उस परिस्थिति में रहकर परमेश्वर हमको क्या करेगा, विजयी देगा। हालेलुया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे ही घर पे जाऊंगी, और मुझे स्ट्रेचर पर, क्योंकि हमारा घर तीसरे माले पे है, तो स्ट्रेचर पर मुझे तीसरे माले तक पहुंचाया गया। मेरे ससुराल वाले, मेरे रिश्तेदार सब मेरे साथ आए हुए थे, घर में पहुंचकर सीधे बेड पर लेटा दिया, और घर की सारी चीज़ों को देखकर वो सारी यादें, वो सारी बातें मेरे मन में आने लगी। जब मैंने कबर्ड खोला तो मेरे पति का कपड़ा,
और उनकी सारी चीजें वहां पर दिखाई देने लगी। और हमारे दूसरे रूम में मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे बच्चों का कबर्ड, उनके पढ़ाई वाला कबर्ड, उनके खिलौने, सारे खिलौने चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो हमारा घर ऐसे होता था, मेरा छोटा बेटा सुबह जाएगा, दोपहर को आएगा, बड़ा बेटा दोपहर को जाएगा, शाम को आएगा, तो दिन भर खिलौने बाहर पड़े रहते थे। दिन भर मुझे चिल्लाना पड़ता था कि अपने टॉयज को अंदर डालो, अपने टॉयज को अंदर डालो, अपने टॉयज को अंदर डालो। लेकिन उस समय में ऐसे लग रहा था कि टॉयज को कोई छूने वाला ही नहीं है, खिलौने से खेलने वाला कोई है ही नहीं। तब मैं जब गई तो बहुत तकलीफ हुआ, सारी चीजें याद आने लगी, सारी याददाश्त वापस आने लगे। लेकिन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, जैसे पहला शमूएल उसके 30वें अध्याय के 4वें वचन में लिखा है, दाऊद जो है वो लड़ाई करके अपनी सिकलग शहर में वापस लौट कर आया। जब लौट कर आया तो उसने क्या देखा कि पूरा शहर जला हुआ है, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके साथियों के बीवी बच्चे, शहर में कोई बच्चा नहीं है, शहर में किसी की बीवी नहीं है, गाय बैल भेड़ बकरियां कुछ भी नहीं है, सिर्फ राख उसको सारे ओर चारों ओर दिखाई दे रहा है। और तब वचन में क्या लिखा है, पढ़िए 4वां वचन, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। हालेलुया। जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाएगा जहां पर रोने की शक्ति भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मैंने वो अनुभव किया है। और हम जब चले गए अंदर, हम सब ने भी बहुत रोया, चिल्ला चिल्ला कर रोया, जब तक हमारे अंदर रोने की ताकत थी हम रोए। और उसके बाद में वचन 6 में क्या लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा, उसके अंदर हियाव बांधा। हालेलुया। दाऊद का हियाव, दाऊद का हिम्मत, दाऊद की ताकत कहाँ से आई, परमेश्वर को स्मरण करने से। हालेलुया। जब हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं तो हम लोगों को स्मरण ना करें, दूसरे चीजों को स्मरण ना करें, हम परमेश्वर को स्मरण करें। जब हमारा रोना, जब हम रो रहे थे जितना हो सका उतना हम रोए, तो फिर उसके बाद मैं हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में जैसे ही जहां पर मैं बैठी थी, मेरे सामने एक इस तरह से वॉल हैंगिंग है, वचन लिखा हुआ है कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, अर्थात इस घर का मुखिया यीशु मसीह है। तो मैंने जितने भी वचन हमारे घर में लगाए हुए थे, सारे वचनों को ऊंची आवाज में घोषित करना शुरुआत किया, क्योंकि उसी में हिम्मत है, उसी में ताकत है, उन वचनों में ताकत है। जैसे हम जानते हैं कि वचन क्या है, जीवन है, वचन में सामर्थ्य है, वचन आत्मा है, वो दिखाई हमको क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य करते हुए दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब उन वचनों को हम पढ़ते हैं, उन वचनों को अपने जुबान से घोषित करते हैं, तो वो वचन का ताकत हमारे अंदर आकर बस जाता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि अपने आप को, अपने हृदय को बहुतायत से भर लो, किससे, वचन से, परमेश्वर के वचन से बहुतायत से अपने आप को क्या कर लो, भर लो, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा